कहाँ आ रही हो? पिलुआ चाचा, हाँ? मैं जब भी निकल के जाती हूँ तुम रास्ते में क्यों मिल जाते हो? फिर कहाँ मिलूँ बताओ? कहाँ मिलूँ? हाँ? मुझे लगता है तुम्हें घर में जगह नहीं है। जगह तो बहुत दे रही है, तो पूरा दिन घूमते ही रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुमने मेरा घर देखा नहीं है। हाँ, मैं क्यों देखूंगी, मैं तो यहाँ रहती नहीं। 500 गज में बना हुआ है घर। 500 गज? हाँ, वो भी एक ही कमरा है। 500 गज में एक ही कमरा है? उसके आगे जंगल ही जंगल है। अच्छा अच्छा, लगता है कमरे में नहीं जंगल में रहते होंगे। नहीं, मैं तो कमरे में रहता हूँ, जंगल में रहती है भैंस। अच्छा, भैंस? हाँ, इसीलिए भैंस जैसी बुद्धि है। अच्छा, प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी? क्यों? ना, काम हो उनसे। अब क्या काम पड़ गया उनसे? काम ये पड़ गया है, देखो नाली इतनी गंदी हो रही है ना, आज की सफाई हो रही। अच्छा, ना कूड़ा लेकर रहो। हाँ, सौरव पानी दरवाजे के आगे डरो, पानी ढाड़ रहा है। सफाई वफाई करवाओ, वोट ले तो हाथ जोड़ते फिरे। सारी सफाई प्रधान जी कराते रहेंगे, बहुत कर लिया करो। हम क्यों कर ले, वोट कौन ने ले? तुम्हारे पिताजी ने ले, वो करवाएंगे। रहते अगर थोड़ा बहुत गंदा हो गया तो तुम खुद कर लो। अरे हम क्यों कर रहे हैं, हम का वोट ले रहे हैं। हाँ अच्छा, वोट ले लिए तो मतलब सफाई सारी वही करें? हाँ, वही कराएंगे सब सफाई। ओको, मेरे पिताजी ने सबके लिए राशन बनवा रखा है और 5-5 किलो तुम्हें राशन मिलता है, फिर भी पेट नहीं भर रहा तुम्हारा। पेट नहीं भर रहा? हाँ, तुम्हारे पिताजी दे रहे हैं राशन। और कौन दे रहा है? वो सरकार दे रही है, वो अपनी जेब से दे रहे हैं। हाँ, आधा राशन तुम्हारे पापा खा जावे रास्ता में। अच्छा, मतलब मेरे पिताजी पे आरोप लगाया जा रहा है, एक तो राशन देते हैं। तो एक बात बताओ, मुझे तो लगता है हम राशन से ही इतने पैसे वाले हो गए। वो तो हो ही गए, मुझे ऐसा लग रहा है जो राशन वहां से आता है उनका इकट्ठा कर करके तुम्हारे दहेज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो। मेरे दहेज के लिए? अच्छा, मेरे पिताजी पे कोई कमी है क्या जो राशन में से दहेज इकट्ठा करेंगे? और क्या कमी है, नहीं है कमी, ये तो बस वहां से राशन आ रहा है गरीबों के लिए। वो एक कट्टा आलू को हटवा दो, एक कट्टा गेहूं को हटवा दो, एक कट्टा चावल को हटवा दो। लोग लेके नहीं जाते अपना राशन? हम का एक एक कट्टा लेके जा रहे हैं, 5 किलो में मिल रहे, वही 3 किलो गेहूं, 2 किलो खा गए। 5 किलो ही दिया जाता है? और चावल आ रहे हैं 8 किलो मिल रहे, 5 किलो, 3 किलो ही गायब है। गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? रनिया का शर्म है तुम्हारे अंदर या नहीं? तुम्हें क्या चीज नहीं मिली? चीनी तुम्हें मिल रही है, रिफाइंड तुम्हें मिल रहा है, नमक तुम्हें मिल रहा है, चावल तुम्हें मिल रहा है, गेहूं तुम्हें मिल रहे हैं। ये सौदना मिल रही हमें, ना चीनी मिल रही, ना तेल मिल लो, ना रिफाइंड मिल रही, ना मट्टी को तेल मिल लो, कुछ नहीं मिल रहा ना, खाली गेहूं और वो मिले चावल। और जो कल तुम्हारे घर में जो चने बने थे, वो चने बने थे? हाँ, वो तो मैं लेके आया, दुकान से लेके आये हुए 1/2 किलो। अरे क्यों झूठ बोलते हो चाचा, वो राशन के थे। हाँ हाँ, राशन के लाए हो, दुकान से लेके आये हो। मैं ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ, प्रधान जी आया था, उनसे कह देना हमारी नाली साफ करवा, सबरी पूरी गंदगी वहीं पर ही है। ना पानी देंगे, ना पानी साफ है, ना कछु है वहाँ में। अरे तो थोड़ा बहुत तुम कर लो, हम क्यों कर रहे हैं? सरकार को पैसा खा रहे हैं हम, वोट लेवे तो आ जाएंगे हाथ जोड़ जोड़ के। आओ जी आओ जी। प्रधान जी, अरे पिलुआ बनाए फिलने प्रधान जी। अरे राम राम, राम राम, राम राम, राम राम लल्ला। और बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। मौज बहार? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ और सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। कैसे बड़बड़ा तो जा रहा है? तो क्या बड़बड़ा तो गाता हूँ, वोट लेके तो आ जाएंगे घर घर। अच्छा है? हाँ, क्या हमें वोट दो, हमें वोट दो। और जब वोट मिल जाए और रकम मिल जाए उन्हें, फिर तो सब भूल जावे। इतनी गंदी नाली बनी है पल्लंग। अच्छा है, बाकी ना साफ सफाई है रही, अरे ना पानी पास है रो, पूरो कूड़ो भरो भरो नाली में। इन चीजों से ही बीमारी बनती है, इन चीजों से ही बीमारी आ रही है। सही बात, सही कह रहा है पहलुआ। देख देख भैया, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर सुनो, अपने हित के लिए तुम अपना चुनाव, अगर तुम अगर अपना मतदान कर रहे हो तो अच्छा व्यक्ति चुनो अपने लिए, अपने गांव के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए। और पहलुआ, पूरे गांव में तुम्हें एक ही व्यक्ति मिलेगा। है? कौन? मैं हूँ। नहीं तुम? और क्या, ठीक है, तुम भी यही काम करियो। नहीं और क्या? अरे पिलुआ, वो आधा राशन खा रहे हो, तुम पूरा राशन खा दियो। देख, ये आपका जो प्रधान है, अब इसकी ये वाली साल खत्म होने जा रही है। हाँ। अब इस साल में चुनाव है, ठीक है, अगली साल में, और जैसे ही चुनाव स्टार्ट होंगे तुम मुझे वोट देना। और देख, अगर मैंने अगर नाली अगर चप्पे चप्पे से नहीं चमक पाई, हाँ, तो मेरा भी नाम घनश्याम नहीं। आप ये बताओ, हम सवेरे सवेरे 4 बजे जंगल फिर भी जाम है खेत में, उनपे ये भी ना एक एक सरकारी लैट्रिन बनवाते हैं। हम बनवाएंगे, हम बनवाएंगे ना लैट्रिन करने की व्यवस्था।
अरे नहाने धोने की व्यवस्था पहलुआ हम बनवाएंगे, हम कह रहे तो उससे बेटे हम बनवाएंगे, हमारा विश्वास रख। एक महीना है वो अल्लाह काटत काटत। अच्छा अच्छा, अभी तक वो कुआ पे सरकारी नल ना लगो। चिंता मत करे, सरकारी नल भी लगेगा कुआ पे, नाली भी चमकेगी और तो और तेरा घर भी चमकेगा, सब चीज चमकेगी। कैसी बात कर दी तूने पहलुआ, मुझे ऐसा लग रहा था तुम गोली दे देती। नहीं 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 बेटा, घनश्याम गोली नहीं देता। यही बात वो कह रहे हैं प्रधान जी। तू जिता तो सही। हाँ। तू जिता तो सही है। मैं जिता दूंगा तो फिर गायब दे दी। ना 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 बिल्कुल। हाँ। नहीं देख ले, तू भी यही है और हम भी यही है। चलो ठीक है, हमारे मुंह पे कह दी तू। ठीक है, पक्की बात है। ठीक है ठीक है, वोट पक्का ना, काम पूरा होना चाहिए। बिल्कुल पिलुआ, क्यों नहीं होगा वोट का। बिल्कुल ठीक है, काम पक्का होगा। राम राम भाई, वाह वोट बन गया। पानी भर ला। अरे पिलुआ चाचा नमस्ते। अरे लल्ली कब आई? मैं तो चाचा पढ़ाई खत्म हो गई तो मैं आ गई। पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ। अब ना होगी पढ़ाई? होगी, छुट्टियाँ पड़ गई हैं। अच्छा छुट्टियाँ पड़ गई हैं। हाँ। और चाचा सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। अभी तेरे पिताजी लेकर के गए पलंग? हाँ वो पिताजी घेर पे गए होंगे। मैंने सुनिया वो इलेक्शन में खड़े है रहे। हाँ इस बार सोच तो रहे थे पिताजी, तो मैं भी इसीलिए बुलाई थी पिताजी ने। अच्छा तो कहाँ पे खड़े है रहे वो? अब देखो कौन सा चिन्ह मिले, चिन्ह के ऊपर है जीत ना पाएंगे वो। कैसी बात कर रहे हो बिलुआ चाचा, क्यों ना जीत पाएंगे? क्योंकि पहले तो ही प्रधान जा बसों पर काम में। अरे तो उसका बैनामा लग गया है कि वही जीतेगा और कोई जीतेगा ही नहीं। तो वो एक बात बताओ, वो खड़े काय पे होंगे? अरे मैंने बता तो दिया चिन्ह के ऊपर, चिन्ह क्या मिलेगा? अगर मेरी मानो तो उनको घोड़े पे खड़ा करो। अच्छा अगर मेरे पिताजी घोड़े पे खड़े हो जाएंगे और तुम्हारी बात मानेंगे, तुम क्या गधे पे खड़े होंगे फिर? अरे हम तो इलेक्शन लड़ी ना रहे। अरे क्योंकि हमेशा घोड़ा जीतता। अच्छा हाँ, अब घोड़ा जीतता है वो बात ठीक है, लेकिन अगर सरकार के चिन्हों में घोड़ा था हो ही नहीं फिर? क्यों नहीं होगा? अच्छा अगर नहीं है तो उसको बनाओ। अच्छा हाँ क्यों नहीं बनेगा? तो सरकार से जाके बात कर लो कि तुम्हारे लिए घोड़ा बना। हाँ वो तो प्रधान जी बात करेंगे जाके, तुम ना करोगे? और एक बात बताओ, तुम बस गलियों में गाल बजाने के लिए। एक बात बताओ, अरे प्रधान जी तुम्हारे पापा खड़े हैं इलेक्शन में, और पहले बारे प्रधान जी कतई काम ना करके दे रहे, ना नाली साफ करवा रहे, ना ढंग से राशन ही मिल लो, और ना कछु गांव में तरक्की है रही, पूरे लट्ठन की लाज खराब है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पिताजी को जिताना, सारे काम यूं करवा दूंगी यूं। कहीं ऐसा ना हो जीतने के बाद सबरो दहेज तुम्हारा ही इकट्ठो करने वो। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तुम्हें पता है कि पढ़ाई के बाद तो मेरी नौकरी लग जाएगी, तो दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने देखी है तो प्रधान जी के बालक होंगे ना, उनकी सरकारी पैसा से ही शादी हो। हमारी नहीं होगी। हाँ। हम तो अपनी नौकरी से करेंगे। अगर हम उन्हें अभी जिता दें और कल को ऐसा ना हो कोई काम ना हो के देवे। सब काम होंगे, एक बार जिता के देखो तो सही कि मेरे पिताजी जीत जाएंगे तो सब काम करवा देंगे, गली बनवा देंगे। चलो ठीक है, खड़े करो खड़े करो। ठीक है हम देंगे। ठीक है राम राम। कैसा कोई हिसाब किताब देख रहे ना, देख रहे तुम्हारे पिताजी? अरे कैसा हिसाब किताब? शादी वादी का? अरे वो भी हो जाएगा, अभी कोई उम्र निकल गई हमारी। अरे अभी उम्र ही ना तुम्हारी? उम्र है लेकिन ऐसा नहीं है कि उम्र निकल गई। क्या साल की हो तुम? हूँ 20-22 साल की। तो 20-22 साल की? ठीक है 25 साल का वो है। को है? नहीं वो हमारी पलंग उधर है, जीजी का लड़का है। अच्छा हाँ वो भी यही काम कर रहा है पढ़ाई भड़ाई को। अच्छा तो बाकी भी छुट्टी पड़ गई है। अच्छा तो मैं इनकी टाको फिट करवा। ना ना हमें टाके की जरूरत ना, हमारा बिना टाके की काम सही चल रहा है। जो? ना ना अब ऐसा कब तक काम चले वो? अरे तुम अपना काम करो, जाके चाचा कैसी बात कर रहे हो लड़की से। ठीक है प्रधान जी से ही बात। हाँ प्रधान जी से बात कर लेना, अभी शादी की बात मत कर लेना, फालतू की बकवास करवा लो चाचा पे। तो बस अरे जेदीलाल कहाँ रह रहे हो? ये देख तमाम कुछ खाते रहोगे और कसू काम हुए तो पे। तू बता कहाँ जा रहा है? मैं तो काम से जा रहा हूँ, तू बता तू घर से जा रहा है? काम से जा रहा हूँ मैं, कहीं ना घर ही जा रहा हूँ यार। तू ऐसा ही घूमता फिरता रहे, काम नाम करता है नहीं कुछ? अरे काम करे आओ मैं 500 रुपए को। अबे 500 रुपए को तेरे बाप दादों ने नहीं कमाए, जरा सी देर में तू किसमें कमा लाया है? हाँ तो बेटा तो कमा रहा है ना। किसमें कमा लाया मुझे? अरे यही मत पूछे। अरे तो यार मुझे बता दे यार बात माने कर। अगर मैं तुझे बता दूंगा तो मेरे वो भी नहीं कमेंगे फिर। नहीं ना तो मैं क्या तेरे पैसे मतलब उनपे हक जमाऊंगा, मैं तेरा काम छीनूंगा? तू ना कमा पाएगा, तू वहां काम कर ही ना पाएगा। अरे ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस जो छेदी लाल ने ना किया हो। है कर लेगा? अरे ले यार कैसी बात कर रहा है यार पऊआ। जुआ में जीत के आये हूँ, जुआ में। जुआ में? हाँ ताश में गड्डी मार। बता खेलेगा? ना तू खेल। है तू खेल ना जीत ले 500। अरे ना तू खेल ना जीत ले। अरे तू ही जीत, होशियार बन रहा है ज्यादा, जब मने कर रहा हूँ पीछे भर रहा है। अबे हमें अच्छा एक बात हाँ।
अब की वोट कौन को देगा? कौन को देंगे? हाँ अरे उन्हीं को देंगे जिनको हमारे बाप दादे बरसों जमाने से देते। ना 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 वो प्रधान जी तो बेकार है। अरे तमाम नाली गंदी पर ये पलंग देख क्या मेरे माँ ले तमाम कूड़ा पर वो ना नाली की सफाई है रही है। बुद्धि खराब हो गई तेरी। अबे वो हमारे दूर के मौसाजी लगते हैं बाबले। हमारा मोहल्ला देख चमन हो रहा है गली तेरे लगते होंगे पूपा पर हमारा काम ना है कदेरो। अबे तुम्हारी गलती है नहीं हो रहा तो है हमारी गलती का है तो और क्या हमारी गलती थी आएगी वोट दे दो हमने उनको है ना यही तो गलती है ना ना ये गलती ना हुई। अबे तुम यार ने थोड़ा सा उनकी इज्जत करा करो चार पांच बार नमस्ते तो इज्जत का इज्जत करा उनकी का जूते चिपड़े हूँ ना। अबे हमें देखो कम से कम दिन में 40 बार जाते हैं मौसाई राम राम तो उन्हें ध्यान रहता है बच्चों के लिए कुछ करो हमारी तरफ ना आवे वो। अच्छा आवे तो दुआ सलाम होवे। अरे तू जुए तू खा पाऊगा तू तेरा नाम पाऊ उनकी लल्ली आवे लल्ली आवे। हाँ हाँ तो घूम घाम कर चली जावे तो वो ऐसा लग रहा है नैन मटका दी गए बुद्धि खराब हुई तेरी। हाँ हाँ ऐसी आवे वो सब धस के अबे वो छोरी तो इतनी शरीफ है कि पूरे गांव में काऊ की इतनी छोरी शरीफ ना होगी जितनी वो है। हाँ तो कि तेरे रिश्तेदार लगे ना वो। अरे तो सुन ले किसी की दिए बेटी को ऐसे पौआ तू ढक्कन है ढक्कन ऐसे बदनाम न किया अगर किसी भी छोरी। हाँ वो मालूम है तू उनकी तारीफ करे वो क्योंकि वो तेरे रिश्तेदार है। अब सुन हाँ अब वो अब जो लास्ट साल चल रही है। अच्छा है? अब दूसरे इलेक्शन आने वाले लास्ट साल चल रही है तेरी। हाँ इलेक्शन की अच्छे इलेक्शन की अब वो है ना नेताजी है का वो खड़े है रहे। कौन थे नेताजी? अरे वही चक्की के पीछे घर है का उनको चौधरी साहब। हाँ चौधरी साहब। अच्छा अच्छा वो खड़े है रहे हैं। हाँ ठीक है अब भी वोट उनको दे। तेरी बुद्धि खराब सुन तो सुविधा का है। हाँ राशन फ्री राशन फ्री। हाँ अच्छा गेहूँ लो चावल लो तेल लो मट्टी का तेल लो काऊ का तेल लो सब चीज लो रिफंड भी आ रही है। अबे हमारे यहाँ फ्री आ रहा है बेटे। हैं हाँ तेरे यहाँ का कार फ्री तेल चावल चीनी। अबे साबुन तक गड़ी साबुन लक साबुन सब चीज फ्री आती है हमारे यहाँ तो। हमारे यहाँ तो आई ना रहो। अरे ते तो तुम्हारे कर्म है तुम्हारे यहाँ तो बस चावल आवे और गेहूँ आवे तो तुम उसी लाए को दो वक्त की रोटी भर लो पेट बस बहुत है जुआ खेल लो पौआ पौआ ढक्कन। अरे वो रिश्तेदारी के नाते भेज रहे होंगे अब तू कुछ भी समझते कोई। अब सुन अब मैंने ठान ली मैं उनको वोट अब की देना ही ना है। और सुन चौधरी साहब तो हर साल खड़े हुए हैं। हाँ लेकिन वो खड़े हो तो जरूर पर वहीं के वहीं बैठे हैं जी बात तो हुए मान ले हम ना बैठन देंगे हम ना बैठन देंगे खड़े ही रहेंगे अब तो उन्हें जिता के मानेंगे। अबे और सुन हाँ सुविधा मालूम कहाँ कहाँ कर दी है। हाँ एक लट्ठन में लाइट ना आए देख सब में लाट लगेगी सब में। अच्छा और देख एक लट्ठन पर लाट ना पलंग लट्ठा लग रहा ना है माँ गड्ढा है रो माँ बेचारो एक ताऊ करो माँ में रात को लेकर भागना पड़ो हॉस्पिटल। अबे वो लाइट की कमी नहीं उनकी लाइट खराब ही आखन की उनकी लाइट खराब नहीं ऊपर से ही लाइट खराब ही तो उनकी कमी ना है ना मैं मैं नहीं मानूंगा भाई उनकी कमी भाई वो तो जा ये प्रधान जी खड़े होंगे जहाँ फायदा लग रहा है स्कूल की फीस माफ। अच्छा है और वो बुग्गी लगा दी है बुग्गी बुग्गी में जाएंगे बालक बैठ के स्कूल है। मुझे एक बात था प्रिंसिपल साहब यूँ कह रहे कि वो पौआ है गाय 3 साल से फीस नहीं भरी मैं सब निकाल के बाहर करा उसके बच्चों को तो बताओ क्या बोले। हाँ। यार बच्चे तो बच्चे हैं उसके सही चाहे हमारे सही तो बच्चों से कोई मतभेद नहीं है अब वो नहीं दे रहा वो उसकी वो है तो तू जुआ खेल लेता है वह फीस भी तो भर दिया कर के माफ 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 भी करवा ले सब चीज पहले बड़े प्रिंसिपल से बात करियो बड़े इनसे चो उनके पास देके आऊं फीस उन्हें का बताओ। अच्छा मतलब तू सीधे उन तक पहुंच गया। हाँ ऊपर देके आऊं बड़े वाले इनको ऊपर तक पहुंचे थे। हाँ अच्छा उनसे का मतलब है वो तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा हाँ उनका दिमाग खाली पढ़ाने में है। अच्छा हाँ सब तो ऊपर हिसाब है तू तो सीधे ऊपर से लेन देन करता है सब ऊपर से। हाँ अजय बता तू कहाँ जा रहा है। अबे मेरा खेत में आ रहा हूँ मेड़ काटने यही करियो तो मैं करोगे का थोड़ी ना जुआ खेलिया सुबह सुबह 500 कमा तो लाए हम। अबे वो चोरी की कमाई मोरी में जाएगी। देख रही हो 100 कमा के देख रही हो खेत में। अरे मैं जब कमा लूंगा जितने भी कमा तू जा मेरी कमाई पे मरे हो क्या कमा लाओ देखती मत दियो दोबारा। बेटी बेटी काम ही नहीं जी पिताजी पिताजी आप आ गए। बेटी आ पिताजी मैं आपकी का इंतजार कर रही थी। और बेटी तो पानी वानी भर लाई। हाँ पिताजी बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रही थी पिताजी आपसे कुछ कहना था। मुझसे कुछ कहना था वैसे मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर कि
आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं इस बार? हाँ बेटी, इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। और देखना, अब की बार तेरा पिता ही जीतेगा, क्योंकि सबको मैंने एक तरफा से सबको मैंने सबकी जो सुविधाएं उनके बारे में समझा दिया, और सब लोग सहजतापूर्वक अपनी पूरी पूरी सब सब समझ गए, और वो कह रहे हैं कि हम जिताएंगे तुम्हें प्रधान। वही मैं चाह रही थी पिताजी, आप चिंता ना करें, क्योंकि काफी लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप ही जीतेंगे इस बार। तो मैं भी ये कह रही थी पिताजी, क्यों ना इस खुशी के मौके पे आप भैया जी को भी बुला लेते। क्या बोला तूने? हाँ पिताजी, अब तो भैया को माफ कर दो, उसे बुला लो वापस घर। देखो बेटी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम हमारी बेटी हो, सिर्फ इसलिए हमने अभी तुमको ये पहली जो तुमने वाक्य बोला है, हम तुम्हें क्षमा किए देते हैं इस बात के लिए। नहीं, अगर तुम्हारे बदले अगर कोई और अगर हमारा बेटा खड़ा होता यहाँ, तो हम उसके थप्पड़ मारते बहुत बुरी तरीके से। समझ में आया? भूल गई उस समय को जब हमारे दोस्त की बेटी से शादी हो रही थी मेरे बेटे की, और इसने मेरी पगड़ी इस कदर उछाली कि उनके सामने मैं निगाह उठा के बात नहीं कर सकता। पूरे उस समाज को, उस जगह को छोड़ के चला आया जिस जगह पे मेरी बहुत इज्जत हुआ करती थी। यहाँ जाने से मेरे जो जितने भी जो प्रशंसक थे, जो लोग मुझसे मिलने आते थे, वो बड़ा मुझे इज्जत आदर सम्मान से बुलाते थे, और आज उसने मेरी पगड़ी पे इतना बुरा दाग लगाया है बेटी कि मैं वहां शक्ल दिखाने लायक नहीं। पर बेटी, मैं तुझसे एक बात कहूंगा, मैं उसे भूल चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि तू भी उसे भूल जाए। नहीं पिताजी, आखिर भाई है वो मेरा। बात ऐसी है कि हम अब रवि को इस घर में बुलाना नहीं चाहते। पिताजी, आपने तो ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि आप भैया को घर नहीं बुलाएंगे, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि वो खून आप ही का है। बेशक वो खून हमारा है, पर उसने उस खून की इज्जत नहीं रखी जिस खून से हमने उसको अपने बेटे की स्वीकृति दी थी। इसलिए ना वो हमारा बेटा है और ना हम उसके बाप। तो पिताजी, आखिर उसने भी अपनी जिंदगी के लिए सही फैसला लिया होगा ना? आप तो चाहते थे कि आपकी दोस्त की बेटी से उसकी शादी हो जाए और वो खुशी खुशी जिंदगी बिता सके, लेकिन उसको नहीं लग रहा होगा पिताजी कि वो खुश रह पाएगा क्या उसके साथ। क्या फैसला लिया उसने? ये फैसला लिया कि हमने जिस बात को हमने रखने के लिए, और जो हमारा जो मित्र था उसकी बेटी से हम अपनी बेटी की शादी कर रहे थे। पिताजी, आप अपनी दोस्ती देख रहे थे और आप अपनी दोस्त की बेटी को देख रहे थे, आप उन निगाहों से देख रहे थे पिताजी, अपने दोस्त की निगाहों से। लेकिन मेरे भाई दुनिया में रहता है, उसको सबकी पता है। सुनो पिताजी, मैंने अच्छी तरह से देखा है उस लड़की को, कितनी कैरेक्टर लेस है वो। तो मेरा भाई, तो मैं भी नहीं चाहती कि ऐसी लड़की से शादी भी हो उसकी। उसने जो भी फैसला लिया सही लिया अपनी जिंदगी के लिए। और पिताजी, मेरे भाई ने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है जो मैं उसको भूल जाऊं। मैं उसको नहीं भूलूंगी, और मेरा भाई अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लायक इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सके। बस खामोश। अगर तू इस घर में रहना चाहती है तो तुझे अपने भाई को भूलना होगा, समझी? जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो इस घर की दहलीज पे तो क्या इस गांव में भी नहीं दिखेगा। समझ में आई बात? और रही बात दूसरी उसको याद करने की, तो वो समझ ले कि वो तेरा भाई नहीं था, वो मर चुका, मर गया हमारे लिए। हमारा बेटा जब तक था, जब तक उसने हमारी बातें मानी, और जिस दिन उसने हमारी पगड़ी पर दाग लगाया तब से हमने उसे अपना बेटा मानना बंद कर दिया, और वो ना तो आज हमारा बेटा है और ना हम उसके पिता। पिताजी, आप रवि को नहीं समझ पाए। पिताजी, आप भैया को प्लीज दोबारा बुला लो। पिताजी पिताजी, ओफो, ये तो बहुत ऊपर है, मेरा तो हाथ भी नहीं जाएगा, कैसे तोड़ूं? यहाँ तो कोई ईंट भी नहीं दिख रही, तोड़ के देखती हूँ। अरे हाथ में ही नहीं आ रहा। अरे 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 अरे, कहाँ आ रहा है? क्या हो रहा है? आम तोड़ रही हूँ, दिख नहीं रहा। आम तोड़ रही हूँ? किसके आम है ये? किसके आम है? हाँ, तुम्हारे आम है ये? ये कोई सरकारी आम का पेड़ नहीं है, ये हमारा बाग है, हमारा। अरे तो तुम्हारा बाग है तो क्या तुम्हारा नाम पड़ रहा है इस आम पे? हाँ हाँ, क्योंकि हमारी जगह में है ये, ये सरकारी पेड़ नहीं है जो तुम तोड़ने आ गई हो आम। अरे जगह ही तो तुम्हारे नाम पे है। हाँ? ये पेड़ थोड़ी नहीं है। किसका है? पेड़ पे नाम पड़ रहा है तुम्हारा। किसका है? तुम्हारा रखा है? हाँ मेरा है, और मेरे पिताजी का है। तो
तुम्हारे पिताजी का गांव के प्रधान है मेरे पिताजी। तो प्रधान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दूसरे इनके आम तोड़ोगी है? खूब तोड़ूंगी। और नहीं तोड़े तो? तोड़ लिए तो है? हाँ तोड़ोगी? अगर मैंने पिताजी से कह दिया ना हाँ। तो ये तुम्हारा पूरा पेड़ है ना पूरा खुड़वा दूंगी नीचे से। तो इसका मतलब वो प्रधान जी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं और क्या? बहुत शुक्र मना हमारी बदौलत बन गए प्रधान जी। तुम्हारी बदौलत? हाँ नहीं भैंसिया चढ़ा रहे होते केतन में। अच्छा हाँ हाँ तुम ही तो बस पूरे गांव में एक महान आदमी। कितने आम है कितने तोड़े कितने? अरे अभी तो टूटा ही नहीं है। एक भी टूटा ही नहीं है तोड़ के दे दो। रखे कहाँ ये? अरे ये तो गिर पड़े ऐसी। कैसे गिर पड़े? 2 किलो आम है ये 500 रुपए किलो है। 1000 रुपए दो। क्या 1000 रुपए? 1000 रुपए? हाँ 500 रुपए किलो है क्योंकि ताजी आम है ये। रख लो अपने आम। क्या रख लो? आम नीचे ना चाहिए के? पैसा लेके चाहिए? पैसा चाहिए पहले? अरे तो जी तो अपने आप टूटे हैं, मैंने थोड़ी नहीं तोड़ा। अरे ऐसे कैसे टूट जाएंगे? मेरी फूट गई है मोना दिख रहा? अरे तो मैंने मतलब कोई आम वैसे कोई पेड़ वैसे आम ना टूटो। यही वजह टूट कर गिर गए हैं। हाँ तो हवा चल रही है ना अपने आप गिर गए वो। तो और पेड़ वैसे तो ना गिरे यही वजह से गिर गए। कहाँ आते बउआ? अरे यार आम तोड़ ले 2 किलो। आम तोड़ ले 2 किलो? हाँ कुछ नहीं मैंने आम तोड़े नहीं मेरा इल्जाम लगा है। पैसे? अरे मैं 1 रुपए नहीं दूंगी। अरे पापा कोई बात नहीं है तोड़ लिए तो क्या हो गया? तोड़ लिए हल्ला का काटा है फिर? अरे वो तो पेड़ हाला तो टूट गया। बताओ हाँ तू तो सिफारिश लेगा तो तेरे रिश्तेदार लगे ना ये। नहीं दूंगी। 1000 रुपए चाहिए? अरे किस बात के चाहिए? तुम्हारे बाग में पड़े हुए ले जाओ उठा के। कौन ले जाओ? मैं क्या करूंगा इनका। अरे ले आने यार जाओ तुम ले आओ। ले आओ ला तू दे पैसा। तू एक बात बता यार तू रिश्तेदार बहुत देर से हल्ला काटा है तेरे आम तो ही तोड़ लिया पेड़ तोड़ी ना तोड़ा पूरा। क्यों तोड़े क्यों जो बता? तू घर से लेके आया था इन आमों को? हाँ अब एक आटा 2 किलो आम तोड़े ये। हाँ अब ऐसी 2-2 किलो निकल जाएंगे तो पूरा पेड़ ही बेकार है यार मेरा। अबे तो हो जाने दो। क्या हो जाने दो? पेड़ बेकार। क्यों हो जाने दो? क्यों जाने दो? हाँ अरे और आ जाएंगे पेड़ है तो उसपे और आ जाएंगे। सरकारी है तो और आ जाएंगे। खाने दो पब्लिक को। हाँ सरकारी। अरे थोड़ा बहुत दान करना सीख लो। अरे तुम्हारे पिताजी बहुत दान करते हैं। तुम्हारे पिताजी ने बहुत दान करो है तो हम दान करते हैं। जो होता है सब बांटते रहते हैं। वो बांट रहे हैं वो सब रो राशन खा जा। देख पगुआ ऐसा है आमों के लिए इतने साने बांटना। आम तो है नहीं इसके में। आम नहीं है पोल्ट्री में बन रहे हैं। देख है ना है। अब ये बात है अगर आम टूटे नहीं है तो पोल्ट्री में कैसे बन गए? ये बात है आम आम के पेड़ लेकर रहे तो चल चल के उतर उतर के चाचा देख लो वो कौन है पोल्ट्री में घुस गए। अरे जानवर आ रहा जानवर। हाँ वो जानवर तो दिख रो दे दे। कोई बात नहीं लगा तू ना। अरे यार कोई बात नहीं है जाने दे। तू ये भगवान बहुत देगा। तू 500-500 रुपए 2 मिनट में कमा लेता है। अरे 500 रुपए 2 मिनट में कमा लेता तो इसका मतलब ये है इन पे लौटा दूं मैं। यार बच्ची है मतलब मेरे बालक बच्चे ना है। तो यार ये भी तेरी बहन बन जी कुछ भी मान ले यार। तो बहन है तो यार का मतलब ये पूरा पेड़ झाड़ेगी। यार झाड़ेगी ना झाड़ेगी वो बात अलग है। झड़ गया ये पूरा पेड़ अम्बो ना मतलब पैसा देगा तू। तेरी बुद्धि खराब हो गई और क्या। अबे मैं 30 रुपए तो मैंने उधार लिए थे। अरे कहीं से उधार लिए सही जाने क्योंकि तेरी रिश्तेदार लगे वो। अबे तू यार कोई ये बता आम क्या रुपए के हो तेरे आम? 1000 रुपए के। 1000 रुपए? 500 रुपए किलो है। तेरी बुद्धि खराब हो गई। मेरे साथ चल 50 रुपए में 3 किलो बिक रहे हैं। 50 के 3 किलो? हाँ वो आम ना आ गए। कौन से आम है? बिलायती आम है। तू मुझसे मत बिना बिलायती के। तू भी तो बिलायती से आया हुआ टपका हुआ है मुझे बात बनाना सिखा रहा है। तू भी तो मेरे ऐसी बात मत किया कर फालतू की बता रहा हूँ तुझे। और ये अबे हर साल पेड़ पे आते हैं दशहरी आम है वो भी कच्चे आम और तू उन्हें 1000 रुपए किलो बता रहा है। यहाँ का पेड़ नहीं है ये बाहर का पेड़ है। अच्छा अब ये बात है पूरे बाग में कितने पेड़ लग रहे हैं? मैंने कहा गिने वे है 15-20 पेड़ है ना है 7-8 होंगे है ना। अब सारे पेड़ इनको छोड़ के माने जाइ पे तो छोड़े ये बता। अबे आप जिएगा वो लिख के लेके आई कि मैं इसको ये बाहर का आम है। अच्छा छोड़ तू चाह कह रहा था मुझे। मैं ये चाह रहा हूँ मुझे 1000 रुपए दे। 1000 रुपए दे? हाँ काय बात के गया तू तो आम के। सुन 50 रुपए लेने हो तो ले लियो और सुन वो भी कैसे। हाँ 10 रुपए महीने। 10 रुपए महीने? 5 महीने में तेरे पैसे चुकता हो जाएंगे। एक काम कर अब 50 रुपए दे दियो जा। ओए भाई भी होता तो मैं रवि को राखी बांध देती। पिताजी की जिद क्या हम भाई बहन और अलग हो गए।
पिताजी ने एक बार भी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचा। शबंदन है मेरा भाई, पता नहीं कहाँ और कैसा होगा। उसकी सूनी कलाई होगी उसकी बहन के होते हुए भी। कोई भी सूनी कलाई नहीं रहेगी, मैं हमेशा तेरे। रवि, रवि तू? हाँ मैं। रवि तू? रवि तू कहाँ से आया है? पिताजी, हाँ? पिताजी अंदर सो रहे हैं। सोने दे। खैर रवि तू बैठना, हाँ? मैं तुझे रागी बांधती हूँ। हाँ, मैं पता है बहुत इंतजार कर रही थी मुझे तेरा। बहुत तेरी याद आ रही थी बहन। मेरा भाई, सच में कितने सही समय पे आया है तू, और तुझे याद नहीं आती मेरी? तो पागल, याद आई तभी तो मैं यहाँ आया। एक बार भी नहीं सोचता मेरे बारे में? अब तू यहीं रह लेना, कहाँ जाएगा? रवि तू कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि तू इसी घर आ जा, वापस आ जा इसी गांव में। पकड़ पगले राखी नहीं बनवाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बनवाऊंगा। और तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आऊंगा इस गांव में ऑफिसर बनके। अच्छा हाँ। सच तू ऑफिसर बनेगा? बिल्कुल सच में, पिताजी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब तू जल्दी आई हो। मैं बहुत जल्दी आऊंगा बहन। और देख, मैं जब इस गांव में ऑफिसर बन के आऊंगा ना, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा बहुत अच्छे से। आते ही भगाएगा मुझे। क्यों? अरे बहन, अरे मुझे भाभी चाहिए। तो भाभी चाहिए, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, और मैं अपनी बहन की शादी में खूब सारी मेहनत करूँ अपनी बहन के लिए, है ना? तो तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। काश बाबूजी आज अगर मुझे घर से बाहर ना निकालते तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा होता। ठीक है, तू भी अच्छे से पिताजी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। ठीक है, कोई बात हो तो मुझे बताना ज़रूर, और मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, चलता हूँ।